एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल निकिता ग्रेजी ब्लॉग। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एग्जाम सेंटर पर और मैं यहाँ पे रिव्यू स्टूडेंट्स के ले चुका हूँ फिलहाल, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो मैंने उनसे बेसिकली पूछ लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको मैं एनालाइज करके जो ओवरव्यू जो है मैंने 8-10 स्टूडेंट से पूछा है। सो आज पॉलिटिकल साइंस का डोमेन और इंग्लिश का लैंग्वेज था। इंग्लिश के लैंग्वेज में बेसिकली ग्रामर की बहुलता थी और जो वोकैब था, वोकैब सेक्शन से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस बेसिकली थे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। वहीं अगर डोमिन की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि डोमिन पॉलिटिकल साइंस का मॉडरेट था, कुछ का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस का डोमिन थोड़ा सा इजी था। फिलहाल मैंने कुछ स्टूडेंट से ये पूछा कि क्या 200 में से 200 मार्क्स करने लायक डोमिन था, तो उन्होंने बोला हाँ 200 में से 200 मार्क्स करने लायक डोमिन था। बाकी लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो थे पॉलिटिकल साइंस में, उसमें बेसिकली अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस दिए हुए थे और बाकी आपको अलग अलग मिक्स चैप्टर से बेसिकली सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये आज का ओवरव्यू था बेसिकली जिस सेंटर पे मैं आया हूँ, पॉलिटिकल साइंस डोमेन और इंग्लिश लैंग्वेज का ही पेपर हुआ था। 10 मिनट में लेट था इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मैंने 8-10 स्टूडेंट से बात की और उन्होंने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन थे बट वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर आपको और भी रिव्यूज एनालिसिस चाहिए सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।